ह्यूमन बॉडी में जब हम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी टूट जाने से इंसान का पूरा बॉडी पोस्चर भी खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो रीढ़ की हड्डी में कितने टाइप की और कितने अलग अलग बोन होती हैं, कितनी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर आपकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रीढ़ में हड्डियां प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हम वर्टेब्रल बोन्स, या फिर पूरे एक रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है वर्टेब्रल कॉलम। और उसमें सबसे ऊपर सर्वाइकल बोन होती है जो कि नंबर में 7 है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ की तरफ प्रेजेंट होती है वो बिल्कुल आपके गर्दन के पीछे की तरफ। उसके बाद में कुछ और भी रीजन है जो आपके थोरेसिक रीजन में वर्टेब्रा पीछे की तरफ पाई जाती है, वो 12 होती है। उसके बाद लंबर रीजन है, ये 5 वर्टेब्रा होती है। उसके बाद में सैक्रल है, जो सैक्रल बोन होती है सैक्रम, वो कई सारे वर्टेब्रा छोटे छोटे आपस में मिलकर एक पूरा फ्यूज होकर सैक्रम बोन बनाते हैं। हालांकि वो अलग, अगर वो फ्यूज नहीं होंगे तो अलग अलग वो 5 वर्टेब्रा होंगी। तो एक सैक्रम हो गया जो कि फ्यूज होकर बना है कई सारे वर्टेब्रा से, और फिर नीचे एक है कोक्सीजियल वर्टेब्रा जो होती है हमारी, वो भी कई सारी वर्टेब्रा फ्यूज होकर एक कोक्सीजियल बोन बनाते हैं। मुझे आपको ये बताना है, मतलब आपसे ये पूछना है, इसमें कितने नंबर के बोन फ्यूज हुए हैं और इसमें कितने बोन जो है वो फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना रहे हैं। तो इतने टोटल बोन वर्टेब्रल कॉलम में पाए जाते हैं।